सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर मोर एजुकेशन। यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से एक न्यू और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में फिर से हम टॉप 10 जीके क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें कंप्यूटर जीके क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है। आपके ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इसमें ज़रूरी इसमें टॉप 10 क्वेश्चन इसमें हम शामिल किए हुए हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर न्यू मेहमान हो तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का डाउट भी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप हमें नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। आप लोगों का किसी भी आंसर का जवाब पता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वरना हम तो इसमें बताएंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डाटाबेस, या इसका ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी ये फाइल, या इसका ऑप्शन नंबर सी डाटा सीट, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्प्रेड सीट हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, डाटा बेस हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए 16 बिट तक, या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 बिट तक, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 128 बिट तक, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 64 बिट तक हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 64 बिट तक हो जाएगा। फिर से यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, नई स्लाइड के लिए की बोर्ड शॉर्टकट क्या है। जब हम कोई सा प्रोग्राम ओपन करते हैं तो उसमें न्यू पेज लेने के लिए इसका शॉर्टकट क्या इसमें दिया गया है, शामिल इसमें किया गया है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन से यह एक न्यू पेज आता है किसी भी प्रोग्राम को, जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इसमें कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो एक न्यू पेज आता है। फिर से यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। जरा आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सब डायरेक्टरी हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, बाइट बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है, किस मोड में प्रिंट होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ए बी सी या इसका डी हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा। आप सबसे उम्मीद है अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ साथ चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का डाउट भी है, यू मीन्स डाउट, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे नीचे जुड़ना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम पे, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। यहां से चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हैदराबाद में, या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेंगलोर में, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली में, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुणे में। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, पुणे में हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए स्पेलिंग में त्रुटि, या इसका ऑप्शन नंबर बी प्रिंटिंग में त्रुटि, या इसका ऑप्शन नंबर सी
एड्रेस ब्लॉक या इसका ऑप्शन नंबर डी ग्रामर त्रुटि हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, स्पेलिंग में त्रुटि हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, निर्वात यूट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है। जरा आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, एक्सेस में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। एक्सेस में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए एड्रेस, या इसका ऑप्शन बी फॉर्मूला, या इसका ऑप्शन नंबर सी लेबल, या इसका ऑप्शन नंबर डी नाम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रहा आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए केवल तर्क, या इसका ऑप्शन नंबर बी गणना एवं तर्क, या इसका ऑप्शन नंबर सी मापन, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, गणना एवं तर्क हो जाएगा। सो आप सबसे उम्मीद है अभी तक वीडियो को देख ही रहे होंगे, देख ही रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ साथ चैनल पे न्यू मेहमान हो तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में